आम आदमी पार्टी की तरफ से जन प्रतिनिधि सम्मेलन आज दिल्ली में करवाया जा रहा है, तो पंजाब से एमएलए पहुंचे हैं हमारे साथ, अलग अलग जगह से एमएलए मौजूद हैं। अमोलक जी हैं जैतो से और साथ ही साथ खुडिया भी मौजूद है, और साथ में मेरे सहयोगी दिल्ली से अजय झा भी साथ में रहेंगे। तो मिलजुल के आज इनसे बात करेंगे, कन्वेंशन कैसी रही, कन्वेंशन हो रही है पहली बार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में करवाई जा रही है, क्या कुछ खास है इस कन्वेंशन में? आज पहली बार श्री केजरीवाल जी जड़े साडे कन्वीनर ने उन्हां दी अगवाई च आम आदमी पार्टी दे सारे देश चो चुने हुए प्रतिनिधि लोकां दे, चाहे वह राज्यसभा दे मैंबर ने, विधानसभा दे मैंबर है, पंचायतां दे मैंबर है, पंचायत समितीज या नगर कौंसल दे एमसी साहिबान, उन्हां नूं सारयां नूं बुला के पहली बार कन्वेंशन, एक दूसरे नाल थोड़ी जाण पछाण भी हो जाती है और पार्टी दियाँ पॉलिसीज़ भी उन्होंने अगे रखी गई कि जिमें बीजेपी पार्टी की नज़र कोई चंगी नहीं, उस तो बचण दे लई उन्होंने जवाब देने लई, वैसे चाहे सारे साडे पार्टी के वर्कर आगू साहबान वो सारे एक गल तो जाणू ने, किसी गल की परवाह नहीं, उन्होंने होर थां करके देख ले ऑपरेशन, उत्थे उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ मिल गया और पंजाब चो या दिल्ली के एमएलए चो उन्होंने कुछ नहीं मिल। अमोलक जी आपसे जानना चाहेंगे आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? किस चीज का मैम? कन्वेंशन में आए हैं पहली बार आम आदमी पार्टी की कन्वेंशन हो रही है, जो जो केजरीवाल जी ने आज बातें कही हैं उनमें से क्या कुछ खास रहा? खास ये है तो मतलब उन्होंने एक तो ये गल कही है भी हुण जिवें दिल्ली दे विच ते बाद च पंजाब दे विच हुण आने वाले समय च गुजरात च भी ते इस तो बाद सारे भारत दे विच आपां जिहड़ा ये अंदोलन उहनूं लैके जाणा ते लोकां नूं जागर करना, क्योंकि जे सारे भारत को सही करना जिवें पंजाब ते दिल्ली के लोगों ने आपका समर्थन दिखाया, सो उस लई आपां नूं सारयां नूं इकट्ठे होना पऊगा। सो जिन्ने भी चुने हुए नुमाइंदे सी सारे भारत के आम आदमी पार्टी के उन्हां नूं यही सुनेहा लाया गा भी जिहड़ी आपां ड्राइव चलाई सीगी हुण मेक इंडिया नंबर वन वाली, सो सारयां नूं सुनेहा दिता जाए भी हुण आपां रल मिल के सारे जणे भारत की जिहड़ी राजनीति आ उसकी रणनीति बना के ते वधिया बनाईए ते जिहड़ा सारे वर्ल्ड का नंबर एक देश बनाईए। जी आपने अभी बात की कि बीजेपी को लेके जो है आज इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने भी कहा और बीजेपी जिस तरह से भारत में काम कर रही है उसको लेके, खासतौर पे पंजाब की बात की जाए तो ऑपरेशन लोटस के बारे में बात हो रही है कि आप लोगों को भी फोन आया बीजेपी की तरफ से? वो जानते हैं गुरमीत सिंह खुडिया नु नहीं कर सकते इहो जी गल, और केजरीवाल जी जिवें पार्टी के प्रधान जो मां प्यो का दर्जा रखते होंगे अपने बच्चों जरूर कहते तो है हदायत करते भी ख्याल रखो भाई, और क्या क्या चीजें आप देखते हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है आप सोचते हैं कि पंजाब में एक्वायर करने की आप माहौल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 2024 का जिस तरह से अभी इलेक्शन आने वाले हैं आगे 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है उस देशवासी ये गल जरूर सोच रहे हैं भी जे दिल्ली के लोग फैसला कर सकते हैं, दिल्ली के लोग महारथियों पासे कर सकते हैं और पंजाब के लोग पासे कर सकते पांच पांच छे छे चीफ मिनिस्टर हरा सकते हैं, और उस तरह हुण गुजरात के लोगों ने भी मन बनाया आने वाला जिहड़ा 2024 का इलेक्शन आ उस वेले देशवासी अपने देश नूं बचाउण दे लई एक चंगी सरकार चुणनगे। अमोलक जी जिस तरह आज यहाँ पे इकट्ठ किया गया पूरा का पूरा, जैसे भारत में जितने भी कर्मचारी थे जितने भी आपके वॉलंटियर थे या जितने भी आपको लीड कर रहे हैं सभी यहाँ पे पहुंचे, 2024 की तैयारी की जा रही है? देखो अगर दिल्ली और पंजाब के जैसे सारे देश को बनाना है तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, सो आम आदमी पार्टी अभी बहुत छोटी पार्टी है दूसरी पार्टियों के मुकाबले, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता है और दूसरी पार्टियों के लीडरों से भी बड़ा जज्बा रखते हैं, सो उनको ये बताने के लिए कि पूरे भारत देश में अब काम करने की ज़रूरत है इसीलिए यहाँ पे बुलाया गया था, सो मैं आपके जरिए भी सारे भारत देशवासियों को बोलना चाहता हूँ जो ड्राइव चलाई गई है मेक इंडिया नंबर वन, सो उसमें आप सभी लोग हिस्सा लीजिए और एक नंबर जारी किया गया है उस पर कॉल कीजिए और उससे आप हमारी इस ड्राइव से जुड़ सकते हैं। मैं सहयोगी से कहूंगी कि दो सवाल आप भी लें। हाँ, मेरा सवाल यही है आप दोनों लोगों से है कि पहली बार इस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कन्वेंशन किया है जहाँ पे न सिर्फ पंजाब और दिल्ली के बाकी जगहों से भी, गोवा से भी जो जीत के आए उनको भी बुलाया गया है, क्या आम आदमी पार्टी उस रास्ते पे आगे बढ़ रही है जो जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस का विकल्प आप लोग बने, अब गुजरात और हिमाचल में चुनाव होना है, क्या कांग्रेस का विकल्प बनने की तैयारी में है? कांग्रेस का तो नाम ही नहीं रह गया भाई साहब, अब सारे जानते हैं और देश के सारे बशिंदे ये गल सोच रहे हैं कि देश नूं बचाउण दे खातर सारा नूं एकजुट होना पेगा,
और जे उस पार्टी नू समर्थन देंगे जेड़ा लोकां दे लई कुछ कर सके जिवें अरविंद केजरीवाल जी। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ए टीम और बी टीम है, जहां आप लोग वहीं जाते हो जहां पे कांग्रेस को हराना है। जो मतलब वो कहते हैं कि हाथ ना पहुंचे तो थू कौड़ी वाली बात हो जाती है। ठीक है, कांग्रेस में पास अभी कुछ है नहीं है करने के लिए, सो ऐसे इल्जाम लगते रहेंगे। मतलब हम एक बात आपने अभी बोली थी कि बीजेपी के जो है आप मतलब कॉल वगैरह कर रहे हैं, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हम उनकी कॉपी वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो जो बोला था उन्होंने कि कांग्रेस की कॉपी कर रहे हैं, कि उन्होंने बोला कि जेल जाने के लिए आज केजरीवाल साहब ने स्टेज पे बोला है कि अगर हम लोगों में जज्बा है कि 3 महीने के लिए हम जेल जा सकते हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। सो विधायकों को जो फोन वगैरह आ रहे हैं, उनको जो आगे टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है, तो मतलब ये कांग्रेस की कॉपी नहीं है। आज से पहले जब भी कभी किसी को धमकाया गया या बोला गया तो किसी भी बंदे ने बोला नहीं आके टीवी पे या चैनल पे, लेकिन ये कि सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिसने कंप्लेंट भी किया और बताया भी है। मतलब एजेंसियों का दबाव बनाया जा रहा है, टूट जाओ नहीं टूट उससे तो पैसे से मान जाओ, किसी न किसी तरह से दबाने की और तोड़ने की कोशिश। पहले पहली बात तो ये है कि वो पैसे से दबाना चाहते हैं, अगर पैसे से नहीं दबाया जाएगा तो वो रेड ये वो करने के लिए, तो इसीलिए केजरीवाल साहब ने बोला कि 3 महीने की तैयारी कर लो, जेल में लगाने का जेल में जाने का जज्बा होना चाहिए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। तो साफ तौर से आम आदमी पार्टी के पंजाब से और देश भर से दिल्ली से सारे विधायक इस बैठक में मौजूद हैं, और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने अपने विधायकों को साफ संदेश दिया है कि जिस तरह से एजेंसी का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, भाजपा कर रही है, तो आप तैयार रहिए कि 3 महीने के लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और ये विधायक भी कह रहे हैं कि पहले पैसे का लालच दिया जा रहा है, और अगर पैसे के लालच से लोग नहीं टूट रहे हैं, विधायक नहीं टूट रहे हैं, तो उनको धमकी दी जा रही है, उनको डराया जा रहा है, एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल आम आदमी पार्टी का ये कन्वेंशन चल रहा है, देश भर से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूद हैं। हमारी सहयोगी हरसिमरत के साथ और कैमरान फिरोज के साथ मैं अजय झा, दैनिक सवेरा के लिए दिल्ली से।